में मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा, 5 बार के विधायक रहे, कैसे देख रहे हैं उनको? गरीबों के मसीहा के तरह से। गरीबों को मसीहा की तरह देख रहे हैं? मसीहा या बाहुबली, दोनों में से एक? गरीबों के तो मसीहा थे, वो जिसके लिए थे वो थे। मुख्तार अंसारी के बारे में क्या सोच रहे हैं? ठीक थे वो भी, कोई खराब तो नहीं, मऊ से विधायक थे 5 बार। आप बीजेपी में हैं और मुख्तार अंसारी की तारीफ? नहीं ठीक, मऊ से जीतते हैं, 5 बार जीते हैं, बिना वोट दिए जीते हैं भाई। समय बीजेपी देते थे वोट? जी, इसके पहले देते थे। अच्छा, मुख्तार अंसारी को आप वोट देते थे? जी। बीजेपी समर्थक हैं आप? जी। वाकई में अच्छे इंसान थे क्या? अरे अच्छे थे ही, गरीबों को मसीहा थे ही वो। अच्छा जी, अभी उनसे भी बड़े बड़े ताकतवर अपराधी हैं, अभी संरक्षण में हैं, चाहे किसी भी नेता के किसी भी पार्टी के संरक्षण में रहे हों। मीडिया उनको नहीं उभारती है, उनको इनके बाहुबली के रूप में नहीं पेश करती है। मुख्तार अंसारी ठीक है आदमी है, ठीक है आदमी थे या ठीक है थे? ठीक थे, ठीक थे। गरीबों का बहुत मसीहा आदमी थे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। इस वक्त मैं लोकसभा घोसी में हूं, विधानसभा मऊ है, जहां से मुख्तार अंसारी 5 बार के विधायक रहे हैं। यहां पर हम सर्वे करेंगे, जनता से बात करेंगे, लोगों से जानकारियां लेंगे, लोग क्या सोचते हैं। क्या हाल चाल है भाई साहब, ठीक है? बढ़िया है सर, बढ़िया। क्या चल रहा है इस बार? सब बढ़िया चल रहा है। और क्या, 24 का चुनाव की तैयारी में सारे नेता लग गए हैं, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? इस चुनाव को बहुत बढ़िया से देख रहे हैं, आगे भी देखना चाहेंगे। तो आप बदलाव चाहते हैं या फिर भाजपा सरकार? नहीं, भाजपा सरकार है तो भाजपा ही सरकार चलेगी, ठीक है, बदलाव नहीं चाहते हैं। अच्छा, यहाँ से विधायक रहे 5 बार के मुख्तार अंसारी, उन पर क्या कहेंगे? जो भी रहे लोग अच्छे रहे, आने वाले लोग अच्छे रहेंगे, और क्या, बस मुख्तार अंसारी का किरदार कैसे? जो भी लोग रहे अच्छे ही रहे अब तक। अच्छा, ये घोसी लोकसभा है ना? हाँ। ये बताइए, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग इस बार? के लोगों को विकास की आदत पड़ी हुई है, कल्पनाथ राय के जाने के बाद यहाँ कोई विकास हो नहीं पाया उनकी इच्छा के अनुसार, जनता की तो तलाश रही है जनता। जिसके अंदर विकास की क्षमता नजर आएगी, जनता उसका चुनाव करेगी। यहाँ पर समाजवादी कैंडिडेट भी घोषित हो चुका है, और NDA की अगर बात किया जाए तो सुहेल देव पार्टी से ओम प्रकाश राजभर के पुत्र हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, अभी जब तक बसपा की का कैंडिडेट सामने नहीं आ जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जहाँ तक आपने ओम प्रकाश के लड़के की बात की है, तो पिछला जो अभी कुछ ही समय पीछे जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें ओम प्रकाश जी के बड़बोलेपन की वजह से जनता में नाराजगी आ गई, और उसका खामियाजा भाजपा कैंडिडेट को भुगतना पड़ा था। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अनिल जायसवाल है। अनिल जायसवाल चाचा, ये बताइए, मुख्तार अंसारी यहाँ से 5 बार विधायक रहे ना? हाँ। उनका किरदार कैसे था? जाति समीकरण उनका प्रभावशाली था, न चाहते हुए भी लोग उनको नहीं जीतने से रोक पाते थे। किरदार अच्छा था, बाहुबली या मसीहा? नहीं नहीं, मसीहा, किसी के लिए मसीहा होंगे, किसी के लिए बाहुबली होंगे, यह तो मीडिया ने उनको बना दिया ना। बाहुबली, बाहुबली का संज्ञा मीडिया ने दिया। अभी उनसे भी बड़े बड़े ताकतवर अपराधी हैं, अभी संरक्षण में हैं, चाहे किसी भी नेता के किसी भी पार्टी के संरक्षण में रहे हों। मीडिया उनको नहीं उभारती है, उनको इनके बाहुबली के रूप में नहीं पेश करती है, तो जनता उसको नहीं कहती है। हाँ, और मुख्तार के लिए मीडिया खुलकर बोल रही थी। हाँ, मीडिया ने बनाया है चरित्र, तो आजकल मीडिया तो सरकारें बना रही हैं। आपको लगता दिल के दौरे से मुख्तार अंसारी खत्म हो सकते? अब ये तो डॉक्टरों का मामला, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बाहुबली मीडिया ने बनाया है उनको? मीडिया ने बनाया, मीडिया का एक वर्ग है जो जातीय धार्मिक आधार पर लोगों को भड़काने का काम करती है। ठीक है, वर्ग है जो ऐसा काम करती है। अच्छा, क्या हाल है भैया, ठीक है? ये घोसी लोकसभा है ना? हाँ। कैसे देख रहे हैं लोकसभा सीट को आप? बीजेपी भारी पड़ेगी मऊ घोसी लोकसभा से। बीजेपी भारी पड़ेगी? हाँ। अच्छा, अगर मुख्तार की बात किया जाए, 5 बार विधायक रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से तो कैसे देख रहे हैं? मुख्तार अंसारी ठीक है आदमी है, ठीक है आदमी थे या ठीक है थे? ठीक थे, ठीक थे। गरीबों का बहुत मसीहा आदमी थे। गरीबों के मसीहा थे? हाँ। क्या नाम है आपका? राम नरेश राजभर। राम नरेश राजभर, राजभर हैं आप हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी का छवि तो कुछ और दिखाया जाता था। छवि तो थी, लेकिन भाई उनके पक्ष में वोट, यहाँ मुस्लिम लोग वर्ग ज्यादा हैं, तो आप
क्या देख रहे हैं, उनकी छवि कैसे देख रहे हैं आप? मतलब कि उनका मतलब यहाँ से जीत जाते थे, यहाँ उनका वोट ज़्यादा था मऊ क्षेत्र से। हाँ, मुस्लिम बेल्ट ज़्यादा था तो जीत जाते थे। आप लोग नहीं देते थे वोट? भाई हम लोग को तो पार्टी अलग है, ये राजभर, हम लोग राजभर हैं, हम लोग बीजेपी में वोट देते हैं, हमेशा बीजेपी को वोट देते हैं। ये लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, यहाँ से बताइए, ओम प्रकाश राजभर के पुत्र हैं, राजू राय हैं समाजवादी की तरफ से, कैसे देख रहे हैं चुनाव? चुनाव सब ठीक है सर, बाकी ठीक है, गल्फ में रहता हूँ मैं, 2 साल के बाद ही आता हूँ। अच्छा, मुख्तार अंसारी के बारे में क्या कहेंगे? सही सही, सब सही था, हम गरीब के मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे, ये तो सबको मालूम है। मुख्तार अंसारी, बाकी हम लोग तो बलिया से हैं, मैं दवा कराने आए हूँ हॉस्पिटल में, तो आप पूछे तो मैं बताए। बागी बलिया से हैं? बागी बलिया से हैं। तो मुख्तार अंसारी मसीहा थे मतलब? हाँ, मसीहा थे। क्या लग रहा है इस बार घोसी के अंदर कुछ बदलाव होगा या? देखिए बीजेपी का है, बीजेपी का है, बीजेपी का है। मुख्तार अंसारी के मामले में कैसे आप देख रहे हैं? भाई वो तो मसीहा थे, यहाँ के लिए बहुत बढ़िया मसीहा थे। जी जी, मऊ के लिए, मऊ के लिए नहीं, हर जगह गाजीपुर मऊ मतलब मसीहा थे वो। उनको लोग याद करते हैं अभी भी? आप याद कर रहे हैं? भाई याद तो कर ही रहे हैं अभी। उनके बारे में तो बहुत कुछ बताया जाता है कि वो बाहुबली थे, गुंडा थे, उनके ऊपर 63 मुकदमा था। सबके लिए सब अच्छा नहीं होता है ना, सबके लिए सब अच्छा होता नहीं है, ख़राब भी होते हैं इसमें लोग, जिनके लिए अच्छे हैं अच्छे हैं, जिनके लिए ख़राब ख़राब हैं। अच्छा एक बात जानना था, मऊ में मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा, 5 बार के विधायक रहे, कैसे देख रहे हैं उनको? गरीबों के मसीहा के तरह से, गरीबों के मसीहा की तरह देख रहे हैं। उनके बारे में तो बहुत कुछ दिखाया जाता था कि बाहुबली थे और डॉन थे। ऐसा नहीं कुछ है, वो गरीबों के लिए थे। आप भी मानते हैं गरीबों के मसीहा थे? हाँ हम भी मानते हैं। मानते हैं, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, लोकसभा खंगालते हैं। पंडित जी क्या चल रहा है घोसी में? राजू राय। राजू राय पंडित है ना? नहीं नहीं बताइए, पंडित हैं। हाँ। राजू राय की तरफ कहाँ चले गए? राजू राय की तरफ पूरा पंडित हैं यहाँ का, सारे पंडित, सारे नहीं जो पक्ष वाले हैं उनके पक्ष वाला है। हाँ। कभी भी यहाँ समाजवादी पार्टी जीती है कभी कभार। अच्छा पंडित जी मुख्तार अंसारी के बारे में क्या सोचते हैं? मुख्तार अंसारी के बारे में अच्छे थे पर काम करते थे। वो मसीहा थे, बाहुबली थे क्या? बाहुबली की बात नहीं बताएंगे, बाहुबली तो उनके इतना मुकदमा बहुत लोग पर है, बाकी उनको क्यों नहीं बाहुबली कहते हैं लोग। अच्छा, मतलब जिनके ऊपर मुकदमा है वो भी बाहुबली हैं? नहीं नहीं, जैसे हम क्यों कहें बाहुबली, विधायक इसे विधायक हैं, विधायक थे, विधायक अभी भी मानते हैं आप? नहीं अब तो इस वो खत्म हो गए, दुनिया से चले गए, उनके बच्चा है विधायक यहाँ से। हाँ हाँ, अब्बास अंसारी। हाँ। वो भी ठीक है ही काम कर, वो भी जेल ही में है। अब मुख्तार अंसारी का मामला तो जो पहले से ही जो उनके लोग हुआ करते थे वो तो रहेंगे ही उनके साथ, राजू राय के साथ में। हाँ, जाएंगे ही उसको। अच्छा, आपको लगता है मुख्तार अंसारी बाहुबली थे या मसीहा? अब हम मऊ आ गए हैं तो सोचा क्यों ना जान लें। देखिए व्यक्ति कोई मसीहा थोड़े होता है, व्यक्ति तो व्यक्ति होता है, जिसके लिए उन्होंने थोड़ा सा भलाई कर दी होगी उनके लिए अच्छे व्यक्ति थे, मसीहा तो दूसरी चीज़ होती है ना। मसीहा कुछ और हो गया। अरे मसीहा तो अलग चीज़ है, अब आप किसी को मसीहा कह दें, मसीहा व्यक्ति मसीहा होने के लिए उसके अंदर कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, तो उनके अंदर अगर अच्छाई थी तो बुराई भी थी, तो मसीहा तो नहीं थे। जिन व्यक्तियों के लिए कुछ किया होगा उनके लिए अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन समाज के लिए सामाजिक तौर पर एक बुरे व्यक्ति जरूर थे, उनके कार्य जो थे वो बुरे थे, कार्य बुरे थे। हाँ, 63 मुकदमा था ना उनके ऊपर। हाँ तो मुकदमा था तो इसलिए व्यक्ति तो बुरे कहे जाएंगे। ये भी तो कहा जा सकता है कि जो मुकदमे लिखे गए हों वो जोर जबरदस्ती लिखाए गए हों, ऐसा नहीं है। हाँ, मुकदमा हम कह रहे हैं कि जबरदस्ती, ये 63 मुकदमे इन खाली योगी के शासनकाल में थोड़े लिखे गए हैं, ये बहुत पहले से चल रहे हैं, और कुछ घटनाएं हुई हैं उनके उनके परिवार को, एक जमींदार परिवार के थे, अच्छे परिवार के थे, लोग जानते भी थे, तो क्यों नहीं उतने, तो उतने मुकदमे इनके कार्य कुछ ज़रूर थे वैसे। और देखिए जिन लोगों ने इनका रूप देखा हुआ है 2005 के दंगों में जीप के बैठ के घूमते हुए, तो वो दृश्य तो कतई किसी अच्छे व्यक्ति का नहीं हो सकता। यहाँ पर राजू राय हैं और दूसरी तरफ जो है ओम प्रकाश राजभर के पुत्र हैं, कैसे देख रहे हैं घोसी लोकसभा को? राजू अच्छा जीत जाएंगे। राजू जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। कैसे, कुछ समीकरण बनाए हैं कि ऐसे ही जीत जाएंगे? समीकरण है उनका, वह लोग भी जाते हैं आते हैं, सबके दुख सुख में जाते हैं,
सबसे अधिक तो राजभर का मदद किया है। आपका नाम क्या है? ब्रजेश यादव। ब्रजेश यादव हैं आप। यादव जी एक बात बताइए, मुख्तार अंसारी यही मऊ से 5 बार विधायक रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उनको, किस एंगल से देख रहे हैं, मसीहा या बाहुबली, दोनों में से एक? ए भाई, अब गरीबों के तो मसीहे थे, वो जिसके लिए थे वो थे, और जिसके लिए नहीं थे तो नहीं थे। बाहुबलियों के लिए बाहुबली थे। अब हम नहीं कहेंगे कुछ, हुजूम लेकिन बहुत था उनके जनाजे में, नहीं कहेंगे भाई, तो हुजूम बहुत था उनके जनाजे में, हुजूम था तो कुछ रहा होगा, तभी तो हुजूम था उनका अंदर, कुछ रहा तभी तो हुजूम था। काले पंडित जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, फर्स्ट क्लास। हाँ, फर्स्ट क्लास। जानने आ गए हैं घोसी में लोग क्या सोच रहे हैं 2024। भाई जिसके समझ में आएगा, जिसको उसको मारेगा वो। पंडित जी आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, आप क्या सोच रहे हैं? बीजेपी को देंगे, बीजेपी को। मुख्तार अंसारी के बारे में क्या सोच रहे हैं? ठीक थे, वो भी कोई खराब तो नहीं, मऊ से विधायक थे 5 बार। आप बीजेपी में हैं और मुख्तार अंसारी की तारीफ? नहीं, ठीक, मऊ से जीतते हैं, 5 बार जीते हैं, बिना वोट दिए जीते हैं भाई। समय बीजेपी देते थे वोट? जी, इसके पहले देते थे। अच्छा, मुख्तार अंसारी को आप वोट देते थे? जी। बीजेपी समर्थक हैं आप? जी। क्या बात है, मतलब ये कैसे आपने मैच कर दिया भाई? मैच नहीं, जब उनका स्थान है तो उनको मिलेगा, बीजेपी का स्थान है बीजेपी को मिलेगा, जो जैसे रहेगा वैसे मिलेगा। वाकई में अच्छे इंसान थे क्या? अरे अच्छे थे ही, गरीबों के मसीहा थे ही वो। अच्छा जी, मतलब आप बीजेपी को वोट करते हैं लेकिन जब विधानसभा की बारी आती तो आप मुख्तार अंसारी को वोट कर देते जी। तो उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी नजर आई आपको? अरे भाई, सब लोग इंसान है, वो भी गरीबों की सहायता करते थे, जो भी उनके पास जाता था सबका सहयोग करते थे। अब तो नहीं रहे, फरियाद लेकर कहाँ जाएंगे? हैं, फरियाद लेकर जिसको जहाँ जाना होगा जाएगा, वो उनके परिवार के पास, और कहाँ जाएगा? अच्छा, परिवार के पास आप भी? अरे जब जाना होगा जाएंगे, हम भी जाएंगे। लोकसभा घोसी है, विधानसभा मऊ है, जहाँ पर मैं खड़ा था, लोगों से बात कर रहा था। खैर, आपकी क्या राय है जरूर बताएं, देखते रहें 24 तक न्यूज।